लगाओ सर नारे बोलो बंद करो माइन हमारा ये जो पे अनोमली का मसला है 1196 से लेकर आज तक हमारा ये मसला है। फिफ्थ पे कमीशन पूरी स्टेट एम्प्लॉय को दिया गया और मासवाइ पुलिस को डिनाई किया गया, तब से लेकर आज तक हम ये प्रोटेस्ट करना और वक्त अपने ब्यूरोक्रेट को पॉलिटिशनों को बताते आए हैं। उन्होंने हमें मासवाइ लारा और झांसे के सुबह हमें कुछ नहीं दिया, बोलते थे कि आपका काम कर देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। लिहाजा अब 24-25 साल हो गए, हमारे कुछ साथी इस दुनिया से चल बसे, कुछ जाने को तैयार हैं, लिहाजा मजबूर होकर हम ये अपने हक लेने के लिए कि हमारे साथ जस्टिफाई इंसाफ किया जाए, तो इनके वादे और लारों के हमें भरोसा नहीं है। और 3 दफ़ा हमारी ये जो पे अनोमली कमेटी बनी है और उस पर उन्होंने फैसला दिया, लिहाजा उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब मजबूर होकर हमने ये डिसीजन लिया कि भाई डू और डाई, करो या मरो वाली नीति अख्तियार करेंगे। और इससे पहले हम गांधीवादी नीति अख्तियार की हुई थी, 6 साल से हम 6 साल से चल रहे थे कि हमारा ये मसला गवर्नमेंट हल करेगी, लिहाजा मजबूर होकर तो ये मसला इन्होंने हल नहीं किया। गवर्नर साहब भी आए, वो भी चले गए, हमारा मसला यूं का तुम रहा। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हम ये बावर कराना चाहते हैं कि हमारा ये मसला जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि हम ये जो बूढ़े लोग हैं, रिटायरीज हैं, तो इनको मुश्किल और इनका सामना ना करना पड़े। बैंक पाए का दौर है, तो लिहाजा इनका जो हमारा बनता हक है वो हमें मिलना चाहिए, हम कोई फालतू इनसे चीज़ नहीं मांग रहे, तो लिहाजा इसके साथ इंसाफ किया जाए, वरना अगर उसके बाद ये नहीं हुआ तो हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे तो रियासत गिर आंदोलन करेंगे, उसकी जितनी भी लाइबिलिटी है गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आयद होगी। तो आपके आपके